स्वागत है दोस्तों हमारे नए वीडियो में। और आज देखिए, आज हम चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ पे चिकन के लिए हम सब कुछ काट कूट कर रेडी कर दिए हैं। चलो भाई, तो वीडियो में बने रहें और बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ अपना गैस। और ये चढ़ा दिया भगोना, इसमें थोड़ा बहुत पानी वानी है, वो सूख जाने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सूख गया है, इसमें डालते हैं तेल, थोड़ा और डालना पड़ेगा क्योंकि प्याज ज़्यादा है। ये तेल हो गया हमारा, तेल को करते हैं साइड में। अब इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, तेज पत्ता डालने के बाद एक थोड़ा सा जीरा है, इसको डाल देते हैं। फिर मैंने डाल दिया जीरा, अब डालते हैं प्याज, इसको जब तक इसमें भुनेंगे जब तक ये लाल होकर बढ़िया से भुन जा नहीं जाए, क्योंकि जब तक ये अच्छा से लाल होकर फ्राई नहीं होगा ना, तो ये हल्का मीठा मीठा टाइप के लगने लगेगा। और इसके बाद डालेंगे मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, उसके बाद डालेंगे हमारा मसाला तैयार किया हुआ है, और ये साइड में चिकन पड़ा हुआ है 1.5 kg। प्याज देखिए आधा ये भुन जा गया है, आधा फ्राई हो गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये, इसमें हरा प्याज और लहसुन है। इसमें नमक थोड़ा डाल दिए हैं ताकि अच्छा से गल जाए और जल्दी गल जाए। और एक छोटा सा आलू ले लिए हैं, ये देखिए आलू के साथ चिकन इतना मज़ा आएगा कि जिसका कहना नहीं है। और 2-3 डालेंगे, ये ना ये ग्रेवी अच्छा तैयार करेगा। प्याज देखिए कितना अच्छा अंदर चिपकने लगा है और बिल्कुल बढ़िया लाल होकर फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, कितना अच्छा कलर आ गया। आप एक बार अपने घर पे आलू चिकन ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए हम पहले से मसाला बना के इसमें पानी डाल के रेडी रखे हैं और अब इसमें डालते हैं। वाह, इसमें थोड़ा अंदर मसाला था, थोड़ा पानी डाल के हम इसमें ये डाल दिए। अब इस मसाले को क्या है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए मसाला बिल्कुल ही तेल छोड़ दिया है और फ्राई अच्छा हो गया है। तो बिना देर किए अभी आलू डालते हैं। आलू हमारे पास कम था इसलिए इतना ही आलू डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। 50-50 भी कर सकते हैं, अगर चिकन कम है आलू ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान के चलिए 1 kg चिकन है तो 1 kg आलू से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, फिर मज़ा ही नहीं आएगा। इसमें डाल दिए आलू, अब बिना देर के इसमें साथ में चिकन भी डाल देते हैं क्योंकि फ्राई होने के लिए दोनों को टाइम लगेगा। थोड़ा और बस। अब इसमें क्या है, थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि इसमें से जितना भी चिकन का पानी है छोड़ दे, हड्डियाँ छोड़ दे बिल्कुल ही। देखिए अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं डाला हूँ, कितना पानी हो गया। तो नमक डालने से क्या है, इसका में जितना पानी होता है चिकन में वो सब छोड़ देता है।
अभी इसको और फ्राई करेंगे 10 मिनट। चिकन फ्राई हो गया था बढ़िया, और इसमें हमने अभी पानी डाल दिया ग्रेवी रखने के अनुसार। एक ग्रेवी थोड़ा कम है, लोग ज़्यादा है, तो एक ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जब आलू उबल जाएगा ना, तो इसको हम थोड़ा चूर के ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। तो हम पानी थोड़ा और डालेंगे अभी, क्योंकि लोग ज़्यादा है। और आलू अभी उबला नहीं है पूरा तरीके से। आप ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इसको हम 15 मिनट के लिए अब छोड़ देंगे ऐसे ही, इसको ढक के। इसको अच्छा से पैक कर देंगे, गैस बाहर ज़्यादा नहीं निकले। छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए। तो ये हमारा चिकन उबल रहा है बढ़िया से। इसमें थोड़ा क्या है, आलू है ना वो सही से नहीं पका है अभी, और थोड़ा नमक कम है, तो थोड़ा हल्का हम नमक डालते हैं। थोड़ा डालना बिल्कुल, थोड़ा बस ज़्यादा हो जाएगा। इतना नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम पड़ेगा लेके खा लेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कुछ नहीं गिरे। अभी उतारने टाइम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला बचा हुआ है, तो हम इसमें डाल देंगे। इसका क्या है, लास्ट में टेस्ट सुगंध अच्छा आता है। कैसा बना है? बढ़िया, मस्त। हाँ जयेश भाई, चिकन कैसा बना? मस्त, बढ़िया, एकदम चिकन मस्त है। हाँ भाई, और चाहिए कुछ? चावल वावल है? खाओ। अरे लो थोड़ा बहुत।